डोसा खाना हम सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन उसके पीछे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दाल भिगाओ, चावल भिगाओ, फिर उन्हें पीसो। लेकिन कोई ऐसा डोसा हो जिसमें आपको कोई भिगाने का झंझट ना हो, आप इंस्टेंट इसे बना ले और डोसा बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही क्रिस्पी बने। बिल्कुल ऐसी ही रेसिपी है आज की, क्रिस्पी ओनियन टोमेटो रवा डोसा। और इस डोसे की सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके लिए आप चटनी ना भी बनाए तो भी चलेगा। सिर्फ डोसा ही इतना टेस्टी है कि आपको कोई अकम्पनीमेंट की जरूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल। डिलीशियस खाना झटपट बनाना, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस डोसा को एकदम जायकेदार बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े बड़े टमाटर और साथ ही मैंने 1 प्याज को एकदम फाइन चॉप करके रखा है। 1 टीस्पून अदरक मैंने ग्रेट करके रखा है। 3 टेबलस्पून धनिया पत्ती, जिसे भी मैंने एकदम फाइन चॉप करके रखा है। 1 हरी मिर्च, इसे भी मैंने चॉप करके रखा है। हरी मिर्च आप ज्यादा या कम ले सकते हैं। टमाटर को मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काट लूंगी और इसके बाद इसे हमें मिक्सी में पीस लेना है, बिल्कुल पेस्ट बना लेना है, नहीं तो डोसा कैसे बनेगा ना। तो इसका पेस्ट हमने बना लिया, तो अब एक बाउल में टोमेटो का ये पेस्ट मैं डाल रही हूँ और इसमें बाकी चीजों को डाल देती हूँ। ये बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और अदरक, और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी नमक, और इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। नमक मैंने थोड़ा सा ज्यादा डाला है क्योंकि बाद में हम इसमें सूजी, चावल का आटा ये सब ऐड करेंगे ना, तो नमक को मैंने पूरी क्वांटिटी के हिसाब से डाला है। इन्हें थोड़ा सा मिला लेते हैं और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप सूजी। बारीक वाली सूजी मैंने ली है, वैसे आप मोटी सूजी भी ले सकते हैं, लेकिन मोटी सूजी ले तो उसे एक बार मिक्सी में चला ले। और 1/2 कप ही हम डाल रहे हैं चावल का आटा, और इसके बाद हम डालेंगे 1/4 कप गेहूं का आटा। आप मेजरिंग कप ना हो तो कोई भी दूसरा घर का कप या कटोरी से नाप सेट कर ले, जितनी सूजी ले उतना ही चावल का आटा ले और उसका 1/2 आप ले गेहूं का आटा। और इसके बाद इसमें हम 1 कप पानी डालकर इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। पानी हमें और डालना है, लेकिन शुरू में हम 1 कप पानी डालकर इन्हें अच्छे से मिलाते हैं। और इसमें हम थोड़ी सी डाल रहे हैं काश्मीरी लाल मिर्च, ताकि इसका रंग बहुत अच्छा आए। और काश्मीरी लाल मिर्च डालकर भी हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो अभी ये बहुत गाढ़ा है, हमें इसका एकदम पतला घोल बनाना है, तो हम 1 कप पानी और डाल रहे हैं और उसके बाद इसे हम थोड़ा और अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाकर, चूंकि इसमें हमने सूजी डाला है ना, तो इसे अभी थोड़ी देर हमें भीगने के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो हम इसे ढक कर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, करीब करीब 15 से 20 मिनट तक के लिए, और उसके बाद इसे हम एक बार खोलकर चेक करेंगे। तो 20 मिनट बाद ये खोलकर मैं देख रही हूँ तो सूजी ने काफ़ी पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और ये बैटर जो है ना काफ़ी गाढ़ा हो गया है। हमें ये घोल एकदम पतला बनाना है, तो मैं यहाँ 1/2 कप पानी और डाल रही हूँ। तो देखिए ये एकदम इस तरीके का पतला सा घोल है। तो टोटल मैंने अभी तक 2.5 कप पानी इसमें डाला है। तो जिस कप से आप सूजी, चावल का आटा ये सब मेजर कर रहे हैं ना, उसी कप से आप पानी भी मेजर कीजिए। तो पानी यहाँ 2.5 कप मैंने डाला है, लेकिन हो सकता है कि आपको पानी की क्वांटिटी थोड़ी और ज़्यादा लगे, ये आपको बनाते समय डिसाइड करना पड़ेगा। 2.5 से 3 कप तक पानी लग सकता है। तो चलिए अब हम डोसा बनाते हैं। मैंने यहाँ एक नॉनस्टिक पैन लिया है और इसमें आज हम डोसा बनाएंगे। तो हम सबसे पहले नॉनस्टिक पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे, हाई फ्लेम पे इसे हम गर्म होने देंगे। जब ये पैन गर्म हो जाए तब इसके ऊपर हम ऑयल अप्लाई कर देंगे, और ऑयल अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा पानी का छींटा मारेंगे। पानी का छींटा हम इसलिए मारते हैं ताकि जो तवे का ऊपर वाला सरफेस है ना, ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाने से जो डोसे का बैटर है ना, ये अच्छे से इसे हम फैला सकते हैं। अगर आप बहुत गरम गरम तवे के ऊपर ही डोसे का बैटर डाल देंगे तो बैटर वहीं पे जमने लगेगा, तो इसे आप ज़्यादा फैला नहीं पाएंगे। और बैटर को डालने के पहले इसे एक बार अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल पतला बैटर है तो सूजी और ये सब चीज़ें ना नीचे बैठ जाएंगी, तो इसे एक बार अच्छे से मिला लीजिए। तो हमने पानी का छींटा मार दिया, अब हम गैस का फ्लेम एकदम कम कर देंगे। आप मीडियम रख सकते हैं और नहीं तो आप एकदम लो भी कर सकते हैं। तो गैस का फ्लेम कम कर देते हैं और अब इसके ऊपर हम बैटर को डालेंगे। और देखिए बैटर को बिल्कुल इस तरीके से डालना है, इसे हमें चारों तरफ फैला देना है, और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं डालना है। मोटा डालेंगे तो आपको इसे क्रिस्प बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसे हम पूरे पैन में चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे पतला पतला, और इसे थोड़ा सा 1 मिनट सेट होने देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम किनारे किनारे से थोड़ा तेल डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर भी हम तेल डालेंगे। और हमारा जो गैस का फ्लेम है ना, ये सिर्फ सेंटर में है और तवा मेरा काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए हम तवे को फ्लेम के ऊपर घुमा घुमा कर हर तरफ से सेकेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से मैं तवे का एक एक पोर्शन फ्लेम के ऊपर रख रही हूँ,
और फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, गैस का फ्लेम हमें नहीं बढ़ाना है। अब गैस का फ्लेम बढ़ा देंगे तो ये नीचे से जलने लगेगा और अच्छे से क्रिस्प नहीं होगा, तो मीडियम फ्लेम पे इसे हमें सेकना है। एक डोसा को बनाने में करीब करीब 4 से 4.5 मिनट का समय लगता है मीडियम फ्लेम पे, और करीब करीब 4 मिनट बाद आप नीचे से स्पैटुला इस तरीके से ले जाएंगे ना, तो ये आराम से ऊपर निकल जाएगा, तो इस तरीके से निकल जाएगा और ये क्रिस्प भी हो चुका है। तो इसे हम फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करके निकाल लेते हैं, और जितना मैंने आपको क्वांटिटी आज बताई है उस बैटर से करीब करीब हमारे 9 डोसा इस साइज़ के बनेंगे, और हर डोसा को बनाने के लिए आपको करीब करीब 4.5 मिनट के आसपास का समय लगेगा। तो सुबह की हो भागदौड़ और आपने अगर बहुत ज़्यादा कुछ प्लान ना किया हो तो भी आप ये डोसा बहुत आसानी से सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। और अगला डोसा बनाने के पहले तवे में फिर तेल अप्लाई करना है, फिर थोड़े से पानी के छींटे डालने हैं और उसके बाद फिर हमें बैटर डालना है। इस डोसे को मैं आज सर्व कर रही हूँ हरी चटनी के साथ, लेकिन आप इसे आलू की सब्जी, सांभर या किसी और चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और वैसे ही ये डोसा इतना स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसमें टमाटर प्याज वगैरह सब डले हुए हैं ना, तो आप इसे बिना किसी अकम्पनीमेंट के भी सर्व कर सकते हैं, इसके साथ कोई ज़्यादा दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो अब इस डोसे को मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, इसकी आवाज़ सुनिए, एकदम क्रिस्प। और इसे मैं चबा कर भी आपको दिखा रही हूँ, तो है ना बहुत क्रिस्पी सा डोसा, बहुत मज़ा आएगा आपको भी, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा क्रिस्पी ओनियन टमेटो रवा डोसा। मेरी इसी तरह की कुछ और वेरिएशन वाली साउथ इंडियन रेसिपीज़ का लिंक यहाँ दिया हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप डोसे का बैटर डाल रहे हों और अगर ये बीच में से फूल रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो तवा है ये गर्म नहीं है, और अगर आपको बैटर फैलाने में दिक्कत आ रही है, वो एक जगह पे जमा हो जा रहा है, तो इसका मतलब तवा आपका ज़्यादा गर्म है।